अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लास। लास्ट लेसन हमने पढ़ा था चैप्टर 8, और उसके बाद मैंने कहा था आपका न्यू लेसन स्टार्ट होगा चैप्टर 9, हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी बार। ठीक है बच्चों, इस लेसन में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई को ऐड करके मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं बता रही हूँ आपको, 2 × 5 = 10, 2 5 = 10। इसमें आपको मस्ट है टेबल लर्न करने हैं, 20 तक आपको टेबल आने चाहिए तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लाई में आपको टेबल मस्ट है। 2 5 = 10, यानी कि अब इसको एडिशन की रिपीटेड एडिशन फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। देखिए बच्चों, 5 है तो 2 टाइम्स 5 को लिखेंगे। देखिए 5 + 5 = 10। अगर हम इसे ऐड करेंगे 2 बार 5 को तो भी 10 आएगा, 2 5 = 10 आएगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में देखेंगे, इसके बाद हाउ मेनी की फॉर्म में देखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी 3 फॉर्म में आपको मैं बता रही हूँ। यही लेसन का इंट्रोडक्शन भी है, और आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो उसको ऐड करके आंसर कैसे लिखेंगे, उसके बाद ऐड करके भी आंसर सेम आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके भी आंसर सेम आना चाहिए। देखिए जैसे कि एग्जांपल है, कैलकुलेट बाय एडिशन हाउ मेनी सर्कल। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सर्कल बना रखे हैं, तो हाउ मेनी सर्कल यानी सर्कल कितने हैं, तो सर्कल कितने हैं, 1, 2 and 3। तो हाउ मेनी सर्कल में आएगा 3। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑल टूगेदर, यानी कि कुल पॉइंट्स कितने हैं। तो देखिए बच्चों, एक सर्कल में 5 पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 5 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर लिख दिए जाएंगे 5 + 5 + 5। तो 5 और 5 = 10, 10 और 5 = 15। ये रिपीटेड एडिशन फॉर्म में लिखा जाएगा, तीनों का 5 5। अब ये है टाइम्स, यानी कि कितने टाइम्स में 5 लिखे जाएंगे। तो कितने सर्कल है, हाउ मेनी सर्कल, 1 2 3, तो ये 3 टाइम्स में 5 5 पॉइंट है, 3 टाइम्स। और यहाँ पर कितने, 1 सर्कल में कितने पॉइंट है, 5 तो 5। अब देखिए 3 टाइम्स 5 यानी कि 3 × 5, तो 3 में 5 का